विदेशी बाजारों में तेजी के रुख के बीच दिल्ली तेल तिलहन बाजार में मांग बनी रहने से सरसों तेल तिलहन और सोयाबीन तेल कीमतों में बढ़त दर्ज की गई है। तिल तेल और मक्का खल को छोड़कर अन्य सभी खाद्य तेल एवं तिलहनों में तेजी का रुख देखा गया है। सूत्रों ने बताया कि प्रमुख खाद्य तेल उत्पादक देश इंडोनेशिया ने खाद्य तेल के निर्यात पर पाबंदी लगाने की अफवाह के जोर पकड़ने से शिकागो एक्सचेंज में 3.5% तक की तेजी दर्ज की गई है। इसकी वजह से घरेलू स्तर पर सभी खाद्य तेलों में मजबूती रही। सबसे ज्यादा 350 रुपये क्विंटल तक की तेजी सोयाबीन तेल मील डिलीवरी दिल्ली में देखी गई। इसी तरह सरसों तेल दादरी का भाव 300 रुपये प्रति क्विंटल तक चढ़ गया है। वहीं पामोलियन आरबीडी दिल्ली के भाव में भी 300 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़त रही है। मूंगफली तेल भी 115 रुपये प्रति क्विंटल महंगा हो गया है। सूत्रों के मुताबिक सरसों तेल का भाव अभी आयाती तेल की तुलना में सस्ता बना हुआ है। वहीं मूंगफली भी सूर्यमुखी से सस्ता है। इसके अलावा विदेशी खाद्य तेलों के महंगे होने से घरेलू उत्पादकों के लिए समस्या बनी हुई है। सूत्रों ने कहा कि अगर सरकार घरेलू स्तर पर तिलहन उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान दे तो 1.5 लाख करोड़ रुपए तक विदेशी मुद्रा बचाई जा सकती है। अगर किसानों को अच्छे दाम मिलेंगे तो वह देश को खाद्य तेल तिलहन के मामले में आत्मनिर्भर बना सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। अब नहीं जाना पड़ेगा कहीं, बिग ब्लिस 10 मिनट में लाएगा आपके घर दूध और दही। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।